हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले सियासी दल बड़े बड़े चेहरों के जरिए प्रचार कर सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में डटे हुए हैं। इसी कड़ी में जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने शिमला पहुंचकर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जीत से साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष अपनी एकता की नींव रखेगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पूरे देश में बदलाव के लिए की गई शुरुआत के लिए जाना जाएगा। केसी त्यागी ने यह भी स्पष्ट किया कि नीतीश कुमार विपक्ष का प्रधानमंत्री चेहरा नहीं बल्कि विपक्षी एकता के प्रबंधक है। जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बड़े बड़े दावे तो करती है लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नजर नहीं आता। हिमाचल प्रदेश में भी डबल इंजन के विकास के बड़े बड़े दावे किए गए लेकिन आम जनता इनसे परेशान है। उन्होंने कहा कि बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई ने आम जनता को पूरी तरह से परेशान कर दिया है। आज बढ़ती हुई महंगाई से आम महिलाएं भी परेशान हैं। सिलेंडर के बढ़ते दाम सरकार की वास्तविकता बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बनना चाहिए मजबूत, जिसको लेकर के नीतीश कुमार जी ने कैंपेन शुरू किया और हिमाचल का चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2024 की हमारे कैंपेन की आधारशिला रखने का काम करेगा। अगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की जीत होती है तो 2024 के लिए ये मील के पत्थर का काम करेगा। एक दूसरा, हम विपक्ष के उन साथियों से भी हमारी असहमति है जो ये मानते हैं कि गैर कांग्रेसी गैर बीजेपी विकल्प हो, बगैर कांग्रेस पार्टी को साथ लिए बगैर कोई कारगर विकल्प बीजेपी का नहीं बन सकता। तीसरा, अगर हम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पराजित कर देते हैं तो हमारा 2024 का विपक्षी एकता का भी काम संपूर्ण होगा और जो हमारा संकल्प है वो भी संपूर्ण। चौथा, हमने रखा है किसानों का, यहाँ पर क्योंकि मैं किसान मूवमेंट से जुड़ा हूँ, यहाँ के किसानों के लिए फसल जो क्रॉप्स है वो वेजिटेबल और फ्लावर्स है, उनके भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय होने चाहिए और सरकार खरीद करे और व्यापारी अगर कोई कम पे लेता है तो उसके बदले। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल से संबंध रखते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं उनका हिमाचल प्रदेश से गहरा नाता है और अभी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो साख है वो भी दांव पर हिमाचल प्रदेश में, पिछले 10 दिनों से लगातार हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर प्रचार कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या स्थिति है अभी भाजपा की और ये प्रचार आपको लगता है? मैं तो चाहता भी हूँ और मुझको दिखता भी है कि कांग्रेस का पलटा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।